हेलो एवरीवन। हेलो सर, कैसी लगी मूवी देखी आपने? सुपर हिट हो गई है यार। यस विक्ट्री। हाँ चमक रहा है कॉन्फिडेंस यार, आ ही जाता है यार, जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। आपको वो भी मिलेगा, आपको रॉयल्टी भी मिलेगी। यार काश बॉलीवुड में होता होता ऐसा, तो नहीं होता, सेटल हो चुका होता। होता नहीं यार। मजा आ रहा है सर 30 करोड़ पॉकेट में? यार मज़ा तो बहुत आ रहा है, मेरी पॉकेट में नहीं है, बट हमारे प्रोड्यूसर जी हैं बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, एंड जितना एक्सपेक्ट किया था उससे डबल ट्रिपल आ गया, तो वेरी हैप्पी, वी आर वेरी सैटिस्फाइड एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू नो लोगों को, ऑडियंस को फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। और कल हम गेटी गैलेक्सी गए थे, वहाँ हमें एक्चुअल रिएक्शन मिला है। यू नो वहाँ पे लोग कई बार मुँह पे बोल देते हैं कि मज़ा नहीं आया, बट वहाँ पे पीपल वर क्रेजी, दे वर गोइंग मैड, बहुत अच्छा लगा। आप तो लोग तीसरे पार्ट का तैयार कर रहे हैं, उम्मीदें लगा ली आपने? यार उम्मीद मैं भी लगा के बैठा हूँ, और हम जुगाड़ भी कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पे नहीं जुगाड़ पे दुनिया कायम है, तो जुगाड़ कर रहे हैं कि हम तीसरा पार्ट भी लेके आए। इसलिए हम अपने प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर हैं, हमारे राइटर, सबको हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बनाओ और ऑडियंस को और मज़ा आए थर्ड पार्ट में, तो लेट्स सी क्या होता है। यह बहुत अच्छा मिला है, सबको ही यू नो एक टीम वर्क है, सबको ही सबका इम्पोर्टेंट रोल था उसके अंदर, और बहुत अच्छा मिला है मेरे स्पेशली। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि तेरी एक्टिंग बहुत मैच्योरिटी आ गई है, तेरा रोने वाला सीन बहुत अच्छा था, यू नो तेरे टाइमिंग बहुत अच्छी है, बाकी चूचा तो है ही अपना ग्रेट, वो तो खींच ही गया सारी फिल्म, और आई होप आगे भी ऐसा चलता रहे, सबको मज़ा आए फिल्म देख के। हाँ बिल्कुल हो गई, कंफर्म हो गई है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ दोनों को, अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली, एंड दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर, एंड गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड, और आई होप दोनों शादी के बाद भी छक्के मारते रहें। थैंक यू सो मच। अरे हो गया है, थैंक यू सो मच यार, कम समय में ज्यादा प्यार मिल गया मेरे भाई, नहीं अच्छा है, बट वी फील वेरी हैप्पी यार। आई थिंक जिस तरह से जो फिल्म है उसको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली है, एंड पीपल ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर लाइकिंग द फिल्म। वो जो कैरेक्टर्स के साथ उनकी एक अटैचमेंट थी वो उन्होंने इस फिल्म में दिखाई है, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। जैसे हमेशा से होता है कि फर्स्ट फिल्म की एक्सपेक्टेशन होती है जब सेकंड सीक्वल आता है, सो पीपल आर सेइंग गुड अबाउट इट, दे आर काइंड ऑफ रिवर्टिंग अस ऑन द सोशल मीडिया कि उनको अच्छी लग रही है और पहली से ज़्यादा बेटर लग रही है उनको ये वाली फिल्म, सो इट फील्स रियली हैप्पी दैट यू नो दैट काइंड ऑफ लव इज़ बीइंग शेयर्ड एंड इट्स बीइंग। मेरी फैमिली के बहुत अच्छे रिएक्शन है, मैं मदर, मैं सिस्टर, एवरी वन, ऑल माय चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वो सारे ग्रुप्स में गए थे फिल्म देखने के लिए, एंड दे रियली लाइक द फिल्म, एंड उनको पिक्चर बहुत अच्छी लगी, लेकिन थिएटर में जब लोग बहुत हंस रहे थे और तालियां बज रही थी, दैट गेव देम अ लॉट ऑफ मोर हैप्पीनेस टू सी देयर child or to see their friend or to see you know their family member getting so much of love and the all over the film the entire team getting so much of love and so much of appreciation, to bahut acha lagta hai jab aisa kuch hota hai. Industry mein sabse zyada aapke character ko bahut zyada pasand hai, to kya kehna chahenge? I think to be very honest, I think Fukrey jo hai wo charo Fukrey aur Bholi aur Pandit ji, I think puri ek team unit hi hai, to film ko pasand kiya gaya hai. Obviously kai bari kai cheeze hoti hain, kai dialogues hote hain, kai punches hote hain, ऑथर बैग लिखे होते हैं, वो उन तरीके से लिखे होते हैं, बट आई थिंक अगर हम सारे फुकरे हैं तो फुकरे हैं, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आई थिंक इट्स ऑल द टीम एफर्ट्स एंड एवरीवन इज़ रियली गुड इन द फिल्म एंड एवरीवन इज़ गेटिंग दैट काइंड ऑफ लव, एंड फ्रॉम पंडित जी टू होली टू द बॉयज़ टू प्रिया टू विशाखा, आई थिंक एवरीवन इज़ रियली गुड इन द फिल्म एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू मृगदीप सिंह लामा जो हमारे डायरेक्टर हैं। ये देखो सक्सेस।
सिटी रिक्शा मारती है सिटी रिक्शा मारती है सिटी यार हम तो दो सिटी वाले अभी आए नहीं है मुझे इतनी सी आती है बट वी आर वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी पहली वाली और इस वाली के सक्सेस के बाद ये साबित हो गया कि रिलीज डेट्स डोंट रियली मैटर क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि टाइगर जिंदा है कि वक्त आ रहे हो यार पता नहीं के वक्त क्यों आ रहे हो ओ हो हो प्लीज आपको बीच में ले आइए सर आइए शाखा हट में आ रही है आ रहे हैं तो आपको लगता है कि टाइगर जिंदा है को फुटबॉल वालों को डरना चाहिए नहीं जी पूरी सब सेम फ्रेटर्निटी है और हमारे भी टाइगर है टाइगर बस बस ये हमने ये बता दिया कि टाइगर है आपके फ्यूचर में हिस्से बहुत कुछ फ्यूचर दिखा देता तो टीम आगे क्या फ्यूचर दिखाएगा आगे क्या फ्यूचर है आई थिंक कि अभी ये जो मेरा दीजा जो कहते हैं कि अभी आने वाले टाइम में भी लोग और इस फिल्म को और ज्यादा प्यार देंगे और जिन्होंने एक बारी देखी है वो दोबारा जाके देखेंगे और उतना ही हंसेंगे और बहुत अच्छा होगा यार और फुकरे मेरे को ये दिखते हैं कि हम सारे फुकरे के सारे इकट्ठे रह रहे हैं और अभी इसके बाद ही ऊपर जाके हमारे जो डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब हैं उनको जाके प्यार से बोलते हैं और उनको फोर्स करेंगे कि और बनाएं हम सबके साथ मिलके और इस पूरी टीम के साथ दोबारा रिपीट करें क्योंकि हमको भी बहुत मज़ा आता है काम करते वक्त और फिल्म भी अच्छी अच्छी बनाते हैं पंडित जी व्हाट डू यू हैव टू से इन वन वर्ड पंडित जी इन वन वर्ड Amazing. Super hit. Superb. वरुण एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि 8 तारीख को जो प्रीपोन की गई है फिल्म पद्मावती एक्चुअली मैं मेरा सवाल ये है कि लगता है कहीं आपको कि फ़ायदा मिला है क्योंकि पिछले हफ्ते भी जो फिल्में थी अच्छी नहीं बनी किन्हीं कारणों से नहीं चली वो उसका भी फायदा क्योंकि दर्शक को चाहिए मनोरंजन ऐसे में एक ऐसी फिल्म आई है जिसने मनोरंजन दिया आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये सही बात है कि इस साल की मतलब एक बहुत यूनिक कॉमेडी है एक बहुत यूनिक फिल्म है लोग वेट कर रहे हैं मनोरंजन एक एंड ऑफ ईयर बड़े अच्छी तरीके से एंड किया है तो यस यू आर राइट हम लोग को क्लियर वीक मिल गया मतलब ये एंड हंसते हंसते होगा और हंसते हंसते शुरू होगा क्योंकि जनवरी तक लगी रहेगी 2018 की शुरुआत भी हंसते हंसते हम करवाएंगे जनवरी तक चलेगी सर क्रिटिक्स की अगर बात करें तो हमेशा ये कहा जाता है कि कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर लेकिन कुछ क्रिटिक्स हैं जो अभी भी लॉजिक ढूंढते हैं कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है तो क्रिटिक्स को क्या कहना चाहेंगे जो फुकरे रिटर्न्स को एंजॉय करने की बजाय उसमें लॉजिक ढूंढ रहे हैं और गलतियाँ निकाल रहे हैं अपने को ढूंढिए है ना क्योंकि हम तो ढूंढते ही रहते हैं सब बैठे हैं हम लोग सब स्क्रूटनाइज करते हैं बट ठीक है सबका जॉब है हमारे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पंडित जी देंगे आप बोल सकते हो आप क्रिटिक्स के फेवरेट रहे हो पूरा साल नहीं क्रिटिक्स के लिए दो वर्ड ले लीजिए जो ऐसी फिल्मों में लॉजिक ढूंढते और ये कहते हैं ये जो हो रहा है वो गलत है ऐसा रियल लाइफ में हो नहीं सकता इलॉजिकल उनका काम है यार उनका काम है लॉजिक ढूंढना हमारा काम है मनोरंजन करना दोनों अपना अपना काम करना है भाई आप लोगों ने देखी सामने दो बार की बात है भाई हंसे थे ना फुल पावर Bahubali was also made, but I don't know how many people will make Bahubali because I don't think
I think her story, jaise, you know, I think you need to relate to it and identify, and that is the basis of what we should all do. So I think ये जो genre था अभी एक comedy है, ugly film, three stories है जो completely अलग है, एक छोटी film है जो Feb में release होगी, फिर Gold है, फिर Gully Boy है. So I think all are different genres. We don't have any of these comedy. So I think people should follow what they believe in. और जो story उनको कहना है, the kind of stories they want to tell, they want to be part of, I think that's what they should continue. Not do it because this is successful, because if you try to do something or emulate or copy something which is not inherent, और जो आपके अंदर से कहानी नहीं है, तो आई डोंट थिंक यू विल सक्सीड इन इट. तो यू शुड ओनली डू इफ इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन. थैंक यू. साल में जो थोड़ा बहुत ऐसा था कि इतना मुनाफा नहीं हो पाया इंडस्ट्री, तो आपकी फिल्म ने उसमें और मतलब एक प्रॉफिट दिया है इंडस्ट्री को. जी जी, मैं खुशी हुई है कि इसमें यू नो, हमेशा जब आप फिल्में बनाते हैं कि यू वॉन्ट टू होप कि किसी को भी पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो एग्जीबिटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, प्रोड्यूसर हो, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन, सबको एक फिक्स्ड फी मिलता है. तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट एवरीबडी इज़ मेकिंग मनी, एग्जीबिटर्स आर मेकिंग, द एंटायर वैल्यू चेन जो है, चाहे म्यूजिक है, बिकॉज म्यूजिक इज़ मेकिंग मनी. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू सी एट द एंड ऑफ द ईयर, होपफुली दिस इज़ देयर, फिर देयर इज़ अ नाइस फिल्म कमिंग कॉल्ड टाइगर, सो जिंदा है. तो आई थिंक इट्स गुड टाइम्स, यू नो, वील एंड द ईयर विथ अ बैंग, एंड विच इज़ वॉट वी शुड डू. जी, तो आई थिंक शाहरुख ने एक इंकरेजमेंट दिया था कि आप फुकरे टर्न बनाइए, बिकॉज उन्हें बहुत पसंद थी, ही अंडरस्टैंड्स द दिल्ली लिंगो, ही इज़ फ्रॉम देयर. तो उन्होंने, आई डोंट थिंक ही सीन इट, मैंने उन्हें कहा था देखने को, बट आई थिंक ही वॉज ओनली ट्राइंग टू से दैट मेक डॉन ऑल्सो, विच इज़ वॉट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग, एंड वी विल सून ऑब्वियसली अनाउंस दैट ऑल्सो.